चलिए प्यारे साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है सीरीज टेस्ट, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, इससे पहले हम इसके दो भाग डाल चुके हैं जिसमें हमने आपको 48 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है जी, इसका पार्ट नंबर 3 रहेगा जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 48 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 49, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आपके सामने यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 1, 4, 25, 256, 31, 25, 46, 656, 82, 35, 43। ठीक है, इसमें कोई एक पद गलत है उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और प्यारे साथियों इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास जो एक नंबर है यहाँ पे 1 की पावर 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 4 नंबर है, 4 क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो 25 नंबर है यहाँ पे आपको पावर मिलनी चाहिए 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए, मिलने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने नंबर देख पा रहे हैं आप 25। इससे आगे आप चेकआउट कीजिए 256 क्या है प्यारे साथियों यहाँ पे 4 की पावर 4। ठीक है, इसके बाद 31, 25 क्या है 5 की पावर आपका 5। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है 46,656 ये क्या है 6 की पावर 6। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है 82, 35, 43 ये क्या है 7 की पावर 7। तो साथियों कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। सबसे पहला जो नंबर है ये 1 की पावर 1 है, नेक्स्ट नंबर 2 की पावर 2, इससे नेक्स्ट नंबर 3 की पावर 3, इससे नेक्स्ट नंबर 4 की पावर 4, इससे नेक्स्ट नंबर 5 की पावर 5, इससे नेक्स्ट नंबर 6 की पावर 6, और लास्ट का जो नंबर है साथियों 7 की पावर 7 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर दिया है, जो गलत श्रृंखला दी है, कौन सा नंबर है 25, जबकि यहाँ पे कितने नंबर मिलने चाहिए 27। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी के साथ। उम्मीद करते कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। और प्यारे साथियों इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 7, 56, 447, 35, 84, 28, 672। ठीक है, इसमें से आपको गलत पद को फाइंड करना है, यानी कि रॉन्ग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट क्या है। तो प्यारे साथियों जिन्होंने यहाँ डी पर टिक किया, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डी के साथ 447। कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए, 7 से 56 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 7, 8, 56। ठीक है, इसी प्रकार से 56 से हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने हैं। तो प्यारे साथियों 56 को अगर हम 8 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे 448 नंबर। कितने नंबर 448 नंबर, जबकि आप यहाँ पे कितने नंबर देख पा रहे हैं 447। इसका मतलब राइट आंसर रहेगा 447 के साथ। ठीक है, आप नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 448 है। ठीक है, 448 से नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करने हैं, तो 448 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 8 नंबर से। 448 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे 3584, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार 3584 से हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 3584 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे 28,672। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन 447। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 2, 5, 10, 17, 27, 37। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर आपको गलत पद को फाइंड करना है। ठीक है, रॉन्ग वैल्यू को फाइंड करना है, तो साथ के साथ लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जिन्होंने सी पर टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सी के साथ 27। ठीक है, कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा 2 से 5 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 2 में हम 3 की वृद्धि करें। ठीक है, 2 और 3 5। 5 से 10 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम 5 में 5 प्लस करें। ठीक है, 5
और 5 10 10 से 17 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर 10 में हम 7 की वृद्धि करें 10 और 7 17 ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों 17 से हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं तो नीचे आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले नंबर में 3 प्लस फिर 5 प्लस फिर 7 प्लस इसका मतलब नेक्स्ट नंबर हमें जो भी प्राप्त होगा कितने नंबर प्लस करने होंगे इसमें 9 नंबर की हमें वृद्धि करनी होगी। तो प्यारे साथियों अगर 17 में हम 9 नंबर की वृद्धि करेंगे 17 में अगर हम 9 की वृद्धि करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलने चाहिए यहाँ पे 26 कितने नंबर 26 26 जबकि आप यहाँ पे कितने नंबर देख पा रहे हैं 27 इसका मतलब रॉन्ग नंबर हमारे पास क्या है 27। आप नेक्स्ट भी चेकआउट करके देख सकते हैं इस 27 के स्थान पे हम 26 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ठीक है। अब 26 से नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कितने प्लस करने होंगे 26 में 11 प्लस 26 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 37। इसका मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे विषम नंबर ऐड किए सबसे पहले नंबर में 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 ठीक है। इनका अंतर का भी अंतर आप लेके देख सकते हैं 3 और 5 का अंतर यहाँ पे 2 प्लस 5 और 7 का अंतर यहाँ पे 2 प्लस 7 और 9 का अंतर यहाँ पे 2 प्लस और 9 और 11 का अंतर यहाँ पे 2 प्लस ठीक है। अंतर के अंतर में भी देख लीजिएगा आपका जो अंतर है वो बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों आपका इस सीरीज के अंदर जो गलत पद है वो कौन सा रहेगा आपका 27 जबकि यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने चाहिए 26। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो प्यारे साथियों आपको यहां पर एक सीरीज दी गई है ई जी के एम पी एस ठीक है। ये अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज है इससे पहले के क्वेश्चन आपके नंबर से रिलेटेड है ठीक है। तो अभी इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पद गलत है तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए अल्फाबेट के रियल प्लेस वैल्यू याद होने बहुत ही जरूरी है ठीक है। तो ध्यान से देखिए ई से जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर ई की प्लेस वैल्यू में 2 नंबर की हम वृद्धि करें ई की प्लेस वैल्यू 5 नंबर है 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 7 नंबर और 7 पे हमें कौन सा नंबर प्राप्त हो सकता है जी ठीक है। इसी प्रकार जी से के को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर जी में हम 4 की वृद्धि करें जी की प्लेस वैल्यू 7 नंबर है 7 में अगर 4 प्लस करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त हो सकता है के की प्लेस वैल्यू 11 नंबर ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखिए के से एम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर के में हम 2 की वृद्धि करें ठीक है। के में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है यहां पे एम ठीक है। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा सबसे पहले नंबर में 2 की वृद्धि फिर 4 की वृद्धि फिर 2 की वृद्धि तो अब कितने नंबर की वृद्धि करनी होगी हमें 4 की। इसका मतलब एम में अगर हम 4 प्लस करें तो प्यारे साथियों एम की प्लेस वैल्यू कितने नंबर है 13 और 13 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 17 और 17 पे कौन सा नंबर आपका क्यू ठीक है। जबकि आप यहां पे देख पा रहे हैं साथियों पी इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा नंबर हो सकता है आपका पी ठीक है। अभी आप नेक्स्ट भी नंबर चेकआउट करके देखिए पी के स्थान पर अगर हम क्यू को रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्यू से एस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 4 के बाद हमें कितने नंबर प्लस करने होंगे 2 क्यू की वैल्यू कितनी है साथियों 17 17 में अगर 2 नंबर प्लस करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 19 और 19 पे कौन सा नंबर आपका एस जो कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका पी के साथ जो कि किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों सबसे पहले अक्षर में 2 की वृद्धि फिर 4 की वृद्धि फिर 2 की वृद्धि फिर 4 की वृद्धि फिर 2 की वृद्धि की गई है ठीक है। जबकि आप यहां पे देखने कोशिश कीजिएगा एम से अगर नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करने हैं तो कितने नंबर की वृद्धि करनी होगी हमें 4 की तो एम में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा यहां पे क्यू जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप पी ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है तो प्यारे साथियों आपको यहां पर एक सीरीज दी गई है पी यू आर एन टी क्यू वी ओ ठीक है। इसमें से कोई एक पद गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको अल्फाबेट के रियल प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद होना कंपलसरी है तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में सोल्व आउट कर सकते हैं ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सीरीज लागू की गई है पी से आर एक नंबर को छोड़ के चलना है पी से आर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर पी में हम 2 की वृद्धि करें R से T को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर R में हम 2 की वृद्धि करें T से V को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर T में हम 2 की वृद्धि करें ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर को ध्यान से देखें U से नेक्स्ट नंबर में फाइंड करना है तो प्यारे साथियों U में अगर हम 2 की कमी करें तो हमें क्या नंबर प्राप्त हो सकता है U में अगर हम 2 की कमी करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होगा साथियों यहां पे S
कौन सा नंबर एस, क्योंकि यू की प्लेस वैल्यू कितनी है प्यारे साथियों 21, और 21 में से अगर दो कम करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे 19, और 19 की प्लेस वैल्यू क्या है एस, जबकि आप यहां पे कौन सा नंबर देख पा रहे एन, तो इस एन के स्थान पे मान लीजिए हमारे पास कौन सा नंबर है एस, तो एस से नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है, एस में अगर हम दो की कमी करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा हमें क्यू, क्यू से नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है तो क्यू में अगर दो की कमी करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त होगा हमें यहाँ पे ओ, मतलब प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सी सीरीज इसमें लागू की गई है, एक नंबर छोड़ के यहां पे चलना है, ऊपर की सीरीज में दो नंबर की वृद्धि है और नीचे के नंबर में दो नंबर की कमी है, ठीक है। अगर यू में से हम दो की कमी करेंगे तो साथियों आपको एन नहीं कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए यहां पे एस नंबर, मतलब प्यारे साथियों इस सीरीज के अंदर कौन सा पद गलत है आपका एन, ठीक है, एन के स्थान पे कौन सा नंबर मिलना चाहिए हमें एस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो कांसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एच टी यू एच जी आई, ठीक है, इनमें से कोई एक पद गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो पद आपका यहाँ पे ए बी सी, एक पद छोड़ के यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा डी ई एफ, इसका मतलब क्या है फर्स्ट के जो तीन लेटर ए बी सी, सी से नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पे देखिए डी ई एफ, इसका मतलब पहले पद में अगर लास्ट अक्षर में एक की वृद्धि करेंगे तो इससे अगले नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे ए बी सी के बाद डी ई एफ, ठीक है। इसी प्रकार से इसे नेक्स्ट पद हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब डी ई एफ का लास्ट अक्षर क्या है हमारे पास एफ, अगर एफ में हम एक नंबर की वृद्धि करेंगे तो एफ के बाद कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए हमें जी एच आई, कौन सा नंबर प्यारे साथियों जी एच आई, ठीक है, जबकि आप यहां पे कौन सा नंबर देख पा रहे एच जी आई, ठीक है। तो अभी के लिए रॉन्ग नंबर आपका हो सकता है एच जी आई, ठीक है। अभी इस सीरीज को आप पूरा चेकआउट कीजिए, अभी हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है पी क्यू आर, आप यहां पे देखने कोशिश कीजिएगा एक पद छोड़कर पी क्यू आर, इसमें अगर एक नंबर की वृद्धि करेंगे तो आर के बाद कौन सा नंबर प्राप्त होगा हमें आर के बाद एस टी यू, यहां पे बिल्कुल राइट सीरीज है, इसका मतलब कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। आपका जो यहां पे सीरीज दिया है कितने नंबर की वृद्धि है, पहले पद में एक नंबर की वृद्धि है, जैसे यहां पे ए बी सी है तो सी के बाद यहां पे कौन सा नंबर हमें प्राप्त हुआ डी ई एफ, अब डी ई एफ में अगर लास्ट नंबर में हम एक नंबर की वृद्धि करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए हमें जी एच आई, जबकि यहां पे कौन सा नंबर आप देख पा रहे हैं यहां पे एच जी आई, इसका मतलब इसमें रॉन्ग पद कौन सा है एच जी आई। उम्मीद करते कंसेप्ट क्लियर है यार, ऐसा तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका जो पहला पद है ए बी सी, ठीक है, इस लास्ट अक्षर से यहां पे देखने कोशिश कीजिएगा लगातार अक्षर है, सी में अगर एक नंबर की वृद्धि करेंगे तो सी के बाद डी ई एफ, ठीक है, इसी प्रकार से इस पद में आप लास्ट अक्षर देखिए एफ, अगर एफ में हम एक नंबर की वृद्धि करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए जी एच आई, ठीक है, जबकि आप यहां पे कौन सा नंबर देख पा रहे एच जी आई। कर से अगले पद में ध्यान से देखने कोशिश कीजिएगा, यहां पे पी क्यू आर, इसका लास्ट अक्षर हमारे पास आर, आर में अगर एक की वृद्धि करेंगे तो आर के बाद हमें कौन से नंबर प्राप्त होंगे एस टी यू, इसका मतलब हमारी जो सीरीज है इसमें जो गलत पद दिया गया है प्यारे साथियों कौन सा रहेगा हमारा एच जी आई, इसके स्थान पे कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए हमें जी एच आई, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा एच जी आई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो गलत पद को किस प्रकार से फाइंड आउट करना है उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। चाहे आपके पास अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, चाहे आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप उनको इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा पद इसमें गलत है, ठीक है। और प्यारे साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, क्योंकि हम आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल से करवाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर विलुप्त है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिए, आपको इस प्रकार की सीरीज मिलेगी डैश फिर कोई नंबर फिर डैश फिर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर इस खाली स्थान समेत टोटल नंबर को काउंट करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे 9 नंबर मिले, ठीक है, इस सीरीज के अंदर कितने नंबर मिले आपको 9 नंबर, तो सबसे पहले आपको इसके जोड़े बनाने, ठीक है, पेयर बनाना है। जैसे 9 का जोड़ा कितना हो सकता है 3 को 3
से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब 9 के प्यारे साथियों यहाँ पे तीन तीन के तीन जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 12 नंबर प्राप्त हो, तो 12 के जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे हम, 4 और 3 के, या तो इसमें 4 के तीन जोड़े मिलने वाले हैं या 3 के 4, ठीक है। आपको यहाँ पे जितने टोटल नंबर मिलेंगे खाली स्थान समेत आपको काउंट करना है, ठीक है। काउंट करने के बाद आपको इस प्रकार के दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपको ये नंबर प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा नंबर प्राप्त हो तो आपको सिंपली उनमें से उन दो नंबर को उठाना है जिनका अंतर कम हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 15 नंबर प्राप्त हो, तो 15 में साथियों 5 3 15, इसका मतलब या तो 5 के तीन जोड़े हैं या 3 के 5, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से आपके पास 16 नंबर है, 4 चौक 16 यानी 4 4 के यहाँ पे 4 जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 24 नंबर है, तो 24 में कितने के जोड़े हो सकते हैं, 6 चौक 24, ठीक है। या तो इसमें 6 के 4 जोड़े हैं या 4 के 6 जोड़े हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 अक्षर है, तो 20 में 5 चौक 20 यानी 5 के 4 जोड़े हो सकते हैं या 4 के 5 हो सकते हैं। प्यारे साथियों सबसे पहले आपको इसमें पेयर बनाना सीखना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर को काउंट करना है, उसके बाद आपको पेयर काउंट करना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली इसमें करना यह है, आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिए जाएंगे आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा उसमें कोई सीरीज रिपीटेड तो नहीं है। रिपीटेड का मीन हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको नंबर दिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर से नंबर आपके पास 1 2 3, इसके बाद फिर से नंबर है 1 2 3, इसके बाद फिर से नंबर है 1 2 3, इसका मतलब ये सीरीज आपके क्या है, रिपीटेड है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार यही नंबर आपके पास रिपीट होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए रिपीटेड सीरीज नहीं है तो आपका एक स्थान छोड़कर रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपका 7 8 9, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद मान लीजिए आपका 7 8 9, तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 7 8 9, इसका मतलब रिपीटेड नहीं है, तो एक स्थान छोड़कर आपको यहाँ पे चलना है। 1 2 3 ये जाके यहाँ पे रिपीट है एक स्थान को छोड़ के, तो इसी प्रकार 7 8 9 भी एक नंबर को छोड़कर यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक है। या तो ये सीरीज साथ रिपीटेड मिल सकती है आपको, या एक स्थान छोड़ के मिल सकती है, या दो स्थान छोड़ के मिल सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 3 से 4 सेकंड में सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे साथियों काफी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की सीरीज ना देखने को मिले, जैसे आपकी रिपीटेड भी सीरीज नहीं है, एक छोड़ भी रिपीटेड नहीं है, दो छोड़ कर भी रिपीटेड नहीं है, तो उसमें काफी सीरीज अलग पैटर्न की रहने वाली है। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर आप कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए प्यारे साथियों अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विदाउट ऑप्शन कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर सीरीज डायरेक्ट पैटर्न से निकले तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो, अभी आपसे पैटर्न अप्लाई किया है, उस प्रकार के पैटर्न को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहला जो डैश इस पर अगर हम सी को रखें तो यहाँ पे सी ए यानी सिंगल सी सिंगल ए, इसके बाद डबल सी डबल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल ए, ठीक है। इसके बाद 4 बार C और 4 बार A, तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपका यहाँ पे C फिर A, ठीक है, यानी सिंगल C सिंगल A, इसके बाद डबल C डबल A, ठीक है। इसके बाद 3 बार आपके C यानी ट्रिपल C और ट्रिपल ही A, ठीक है। इसके बाद आपके 4 बार C और 4 बार आपके A, ठीक है। साथियों इसमें सबसे पहले हमें कौन से नंबर क्या हो सकता है, सी, फिर हमारे पास ए, फिर हमारे पास ए और लास्ट में हमारे पास ए, इसका मतलब सी ट्रिपल ए। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, बी, तो बी क्या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, सबसे पहले उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिले आपको तो उसमें पेयर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सोल्व आउट करके देखिए, कभी इस सीरीज को इस प्रकार से अप्लाई तो नहीं किया है, सी सिंगल ए डबल सी डबल ए ट्रिपल सी ट्रिपल ए 4 बार C और 4 बार A, ठीक है। तो अभी के लिए जो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम काफी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्न श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आपको यहां पर एक सीरीज दी गई है, ठीक है, इसमें कुछ पद लुप्त है,
आपको सिंपली इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप विद इन कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट पैटर्न को अप्लाई करके यूज करना है, अगर उससे आंसर निकल आए बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट पैटर्न से अप्लाई नहीं है तो आप इसके पेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस पूरी सीरीज में टोटल अक्षर कितने आपके पास, यहाँ पे 24, कितने साथ हो 24, तो 24 के जोड़े हम किस प्रकार से बना सकते हैं, 6 चौक 24, या तो इसमें 6 के 4 जोड़े हैं साथ हो या 4 के 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें 6 के 4 जोड़े बनाने की कोशिश कीजिएगा। सिंपली आपको खाली स्थान के समेत टोटल 6 नंबर काउंट करना है और 6 के बाद आपको लाइन ड्रॉ करना है, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6, इस पी के बाद आपको यहां पे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट में हमारे पास 6 नंबर है। ठीक है, अब विदाउट ऑप्शन हम किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने जो अभी आपको पैटर्न बताया, या तो सीरीज आपकी रिपीटेड हो सकती है, अगर रिपीटेड नहीं है तो एक छोड़ एक रिपीटेड हो सकती है, या फिर दो नंबर को छोड़कर रिपीटेड हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले इस पैटर्न को आप फॉलो करके देखें, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप रिपीटेड सीरीज को अप्लाई कीजिए, मतलब ये जो नंबर है ये यहां पर रिपीट है या नहीं, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट के 2 लेटर हमारे पास है LU, यहां पर भी क्या है LU, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें यहां पर फाइंड आउट करना है और यहां पर हमारे पास नंबर है B। ठीक है, इस B को उठा के प्यारे साथ इस पहली वाली सीरीज में आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहां पे देखिए T है, यहां पर भी T है, इसमें U है, इसमें भी U है, इसका मतलब यहां पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है और पहले वाली सीरीज में यहां पे क्या है P, तो इस P को उठा के हम यहां पे रख सकते हैं। इसका मतलब यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास जो सीरीज है कौन सी सीरीज निकल कर आई, LUBTUP, ध्यान से देखिए LUBTUP, आप नेक्स्ट भी देखिए LUBTUP। ठीक है, यहाँ पे सीरीज साथ ही रिपीटेड है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं LUBT, टी के बाद हमारे पास कौन सा नंबर प्राप्त होना चाहिए, UP। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए LUBTUP, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों, आपको यहाँ पे कौन से नंबर की आवश्यकता है, सबसे पहले B की आवश्यकता है, इसके बाद आपको यहाँ पे P की आवश्यकता है, इसके बाद यहाँ पे U की आवश्यकता है, और लास्ट नंबर L, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है, BPUL, कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, A, तो A क्या इस प्रश्न का बिल्कुल है राइट आंसर। उम्मीद करते कांसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है प्यारे साथियों, विद इन कुछ ही सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ध्यान से आप क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले आपको रिपीटेड सीरीज को अप्लाई करना है। ठीक है, पहले में जो अक्षर है उसको सेकंड में अप्लाई कीजिए और सेकंड में जो अक्षर उसको पहले में अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक दूसरे नंबर को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, आपको यहां पर एक सीरीज दी गई है, अब की बार यहां पे अल्फाबेट नहीं है, नंबर यूज किए गए, तो किसी भी प्रकार की सीरीज आपको मिल सकती है, यहां पे नंबर भी मिल सकते हैं और अक्षर भी मिल सकते हैं। ठीक है, पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप यहां पे टोटल नंबर काउंट कीजिए खाली स्थान समेत, तो आपको यहां पे नंबर दिखाई देंगे 16 नंबर। ठीक है, 16 के जोड़े हम कितने बना सकते हैं, पेयर कितने के बना सकते हैं, 4 चौक 16, यानी 4-4 के कंप्लीट में 4 जोड़े बनने वाले हैं, तो जहां पे 4-4 नंबर है वहां पे आप लाइन ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से, 4 नंबर, इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले टाइप को आप रिपीट करके देखें, फर्स्ट टाइप को यहां पे रिपीट करके देखें, सबसे पहला नंबर यहां पे 1 है और यहां पर भी 1 है, इसका मतलब ठीक ठाक है, इसका मतलब फर्स्ट में देखिए 2 नंबर है यहां पे खाली स्थान, इस 2 को उठा के आप इस सेकंड में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा नंबर पहले वाली सीरीज में खाली है और सेकंड में यहां पे 3 है, तो इस 3 को उठा के यहां पे डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट अक्षर यहां पे 4 और इसमें भी लास्ट में 4 है, इसका मतलब सीरीज रिपीट हो चुकी 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4। ठीक है, जो हमारी सीरीज है ये भी रिपीट होने वाली है, तो देखिए 1 2 3 यहां पे 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब सीरीज हमारी रिपीटेड है, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, विदाउट ऑप्शन हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं, इसका मतलब प्यारे साथियों, पहले नंबर में हमें 3 की आवश्यकता है, सेकंड में हमें 2 की आवश्यकता है, 3 में हमें 4 की आवश्यकता है और लास्ट में हमें 1 नंबर की आवश्यकता है, इसका मतलब 32
41 किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं? सी। तो सी क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते प्यारे साथियों आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको यहां पर भी एक सीरीज दी गई है, ठीक है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पे नंबर काउंट कीजिए, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं यहां पे 16 नंबर। तो 16 के पेयर हमारे पास 4 चौक 16, इसका मतलब 4-4 के पेयर हमारे यहां बन सकते हैं। तो 4-4 नंबर के बाद यहां पे नंबर डालिए 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको सीरीज पहले रिपीट करना है, फिर एक छोड़ के फिर दो छोड़ के, सबसे पहले इसी पैटर्न को फॉलो करना है। पहले इस सीरीज को यहां पे रिपीट करके देखिए, पहला नंबर हमारे पास 8, सेकंड में यहां पे देखिए खालिस्तान है, इसका मतलब इस 8 को उठा के हम यहां पे रख सकते हैं 8, ठीक है। इसके बाद यहां पे 7 नंबर, इसमें भी 7, इसमें खालिस्तान है, इसमें यहां पे 2, इस 2 को उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट अक्षर इसमें 5 नंबर, इसमें 5 है, इसका मतलब यहां पे फर्स्ट के नंबर 8 7 2 5, इसका मतलब सेकंड भी हमारे पास 8 7 2 5, इसका मतलब यहां पे सीरीज रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी क्या करना है, साथ रिपीट करना है। 8 के बाद कौन से नंबर मिलेंगे, 7 2 5, तो यहां पे देखिए 8 7 2 5, ठीक है, इसका मतलब लास्ट में भी 8 7 2 5, तो यहां पर भी हमारे पास 8 7 2 5, इसका मतलब यहां पर भी सीरीज क्या है प्यारे साथियों, रिपीटेड सीरीज आपके सामने है। तो प्यारे साथियों इस सीरीज में हमें सबसे पहले कौन से नंबर क्या हो सकता है, 2, फिर 8, फिर 7, फिर 2, फिर 5, ठीक है, 2 8 7 2 5, किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, ए। तो ए क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अब आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको एग्जाम में काफी बार इस प्रकार की सीरीज देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होती है। ध्यान से देखिएगा, आपके इस प्रकार की सीरीज अगर मिले आपको तो सबसे पहले जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो तो हमने जो बैक में आपसे डिस्कस किया उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें आपको पेयर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पे SMT फिर डैश फिर TF फिर डैश, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो संडे मंडे हैं, वार है, सभी के कैपिटल अक्षर यहां पे यूज किए, देखिए यहां पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहां पे आपका सैटरडे, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपको यहां पे जो सीरीज दी गई है ये आपके वार से रिलेटेड सीरीज दी गई है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका, ठीक है, सभी के कैपिटल अक्षर यहां पे यूज किए गए। अब आपको यहां पर अगर इस सीरीज के बारे में नॉलेज है तो मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, अन्यथा आप इन सभी के नंबर आप यहां पे नोट डाउन करेंगे, प्लेस वैल्यू से आप क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी मैचिंग नहीं करने वाला है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपकी जो जनवरी फरवरी है, जो मंथ है, जो महीने है, इन सभी के कैपिटल अक्षर यहां पे यूज किए, जैसे कि जनवरी फरवरी, फरवरी के बाद यहां पे मार्च, अप्रैल मई, मई के बाद यहां पे जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आपके यहां पे जो सीरीज यूज की गई है कौन सी सीरीज रहेगी आपकी, महीनों से रिलेटेड, ठीक है, जनवरी अप टू दिसंबर आपके, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको यहां पर TFSS इसे नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, आपके यहां पर जो काउंटिंग नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, तो एग्जाम ने यहां से 2 की शुरुआत की, सबसे पहले 2 का यहां पे टी यूज किया, 2 के बाद 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद यहां पे 8 और 8 के बाद यहां पे 9, ठीक है। आपके जो काउंटिंग नंबर है इसमें 1 को यहां पे यूज नहीं किया गया, ध्यान रखिए 1 को यहां पे यूज नहीं किया, से शुरुआत की है, सबसे पहले 2 का टी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों, EN, ठीक है, कौन सा रहेगा, EN। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आपको यहां पर नंबर से रिलेटेड सीरीज दी गई है, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 से नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीरीज रहेगी प्यारे साथियों आपकी करेंसी से रिलेटेड रहेगी, रुपए से रिलेटेड, जैसे वर्तमान में जो आपकी करेंसी चली हुई है, जैसे आपका 1 रुपए चला हुआ है, 2 रुपए चले हुए, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 50, 50 के बाद 100। तो साथियों 100 के बाद जो पहले आंसर था आपका नोटबंदी से पहले, 100 के बाद डायरेक्ट आपका कौन सा आंसर था, 500, कि 200 की करेंसी नहीं चली हुई थी, लेकिन
लेकिन नोटबंदी के बाद प्यारे साथियों 100 के बाद कौन सी करेंसी को लागू किया है, 200 को भी, ठीक है। तो अब 100 के बाद 200 के बाद कौन सा नंबर हमारा 500 के बाद जो हमें करेंसी मिलने वाली वो कितनी मिलने वाली है प्यारे साथियों 2000, कितना 2000, क्योंकि 500 के बाद नोटबंदी के बाद 1000 की करेंसी को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर कितने की करेंसी लागू की गई है 2000 की करेंसी को लागू किया है, ठीक है। उम्मीद करते प्यारे साथियों आज का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे लेवल से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।